तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हमारा कॉन्सेप्ट है स्वैप स्पेस। चलिए तो शुरू करते हैं। व्हाट इज स्वैप स्पेस इन लिनक्स? एक्सप्लेन। अ स्वैप स्पेस इन लिनक्स और विंडोज वर्क लाइक ए वर्चुअल मेमोरी और रैम दैट इज यूज्ड व्हेन वी ओपन मल्टीपल एप्लीकेशंस और लार्ज एप्लीकेशंस एट ए टाइम एंड आवर रैम गेट्स फुल। अब स्वैप स्पेस जो होता है लिनक्स या विंडो में, वो काम करता है एक वर्चुअल मेमोरी की तरह, एक रैम की तरह। दैट इज यूज्ड, जो यूज होता है व्हेन वी ओपन मल्टीपल एप्लीकेशन, जब हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी एप्लीकेशन इकट्ठे खोल देते हैं या लार्ज एप्लीकेशन या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं एट ए टाइम, एक बार में। एंड अवर रैम गेट्स फुल, और हमारी रैम जो है वो भर जाती है। ठीक है, कंप्यूटर में हम जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वो कहाँ पे ओपन होता है? हमारा रैम के अंदर। ठीक है, अगर रैम की कैपेसिटी मान लो 4 GB है और जो सॉफ्टवेयर हम उसके अंदर ओपन कर रहे हैं वो 8 GB का है, तो इसका मतलब कि वो अच्छी तरह से रैम के अंदर ओपन नहीं होगा। यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं। मान लो कि हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इकट्ठे खोल दिए हैं और हमारी रैम जो है वो फुल हो गई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इन दैट केस वी कैन क्रिएट अ स्वैप स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क दैट विल कंटेन ऑल इनएक्टिव एप्लीकेशन और इनएक्टिव प्रोसेसेस। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम हार्ड डिस्क के ऊपर स्वैप स्पेस क्रिएट करेंगे, हार्ड डिस्क के ऊपर आधा स्पेस, मतलब वहां से उधार ले लेंगे हार्ड डिस्क से। ठीक है, दैट विल कंटेन ऑल इनएक्टिव एप्लीकेशन, जो क्या करेगा फिर, जो भी एप्लीकेशन हम मिनिमाइज करते हैं, इनएक्टिव होती है, वो उनको कंटेन कर लेगा, इनएक्टिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, एंड व्हेन वी विल नीड देन इट विल सेंड दीज इनएक्टिव प्रोसेसेस टू द रैम टू प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू ओपन देम। और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर को ओपन करने की, देन इट विल सेंड दीज इनएक्टिव प्रोसेसेस, तो उसके बाद वो उस इनएक्टिव प्रोसेस को, मतलब उस सॉफ्टवेयर को भेज देगा रैम के अंदर टू प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू ओपन देम, और वो आसानी से जल्दी से उसके अंदर खुल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा स्वैप स्पेस का कॉन्सेप्ट। अब चलो मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। पहले तो एक डायग्राम के जरिए इसको समझते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर हम जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होता है रैम के अंदर। यानी कि जैसे मान लो ये एक गेम है 2 GB की, इसको हमने कमांड दी, ये हार्ड डिस्क में ऑलरेडी हमने इंस्टॉल की हुई है, वहां से उठेगी और ये उठकर आएगी हमारे पास रैम के अंदर। अब हमारे पास जो रैम है वो है 4 GB। ठीक है, अब रैम जो है, हम उस सॉफ्टवेयर को जो भी है, चाहे वो ऐप, चाहे वो गेम है या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको वो दिखाएगी हमें फिर मॉनिटर के ऊपर। यानी कि जितने भी काम हमारे चल रहे होते हैं वो सारे चल रहे होते हैं रैम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 GB की एक गेम ओपन की है और रैम में, रैम की कैपेसिटी है 4 GB। ठीक है, यहाँ ये यानी कि इसका मतलब रैम के अंदर इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, 2 GB का, और रैम कितनी बच गई हमारी, 2 GB। ठीक है, अब मान लो इसके बाद हमने MS Word को ओपन कर दिया, अब उसका जो साइज है, उस एप्लीकेशन का साइज, वो भी 2 GB है। ठीक है, अब रैम जो है हमारी हो गई है इस टाइम फुल, रैम भर गई है हमारी। ठीक है, अब मान लो कि हमने एक तीसरा सॉफ्टवेयर ओपन करना है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर, ठीक है, 6 GB का है हमारे पास, कोई वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, हमने उसको भी रैम के अंदर कर दिया ओपन, इनकी कमांड दे दी हमने उसको ओपन करने की। अब देखो रैम तो ऑलरेडी 4 GB है, ठीक है, 4 GB के तो उसने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ओपन हो रखे हैं, ये 6 GB का सॉफ्टवेयर फिर कैसे आएगा इसके अंदर? तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हार्ड डिस्क के ऊपर एक स्वैप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, चाहे 6 GB का बनाओ, चाहे 10 GB का बनाओ, वो आपकी मर्जी। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी बाकी, ये चली जाएंगी स्वैप स्पेस के अंदर और ये खुल जाएगा हमारी रैम के अंदर। तो ये स्वैप स्पेस काम करेगा हमारा एक वर्चुअल मेमोरी की तरह। ठीक है, यानी कि रैम की कैपेसिटी बढ़कर कितनी हो जाएगी फिर हमारी, 4+6 10 GB। तो ये है वो स्वैप स्पेस।
आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब इस स्वैप स्पेस को आज हम करेंगे क्रिएट पहले विंडोज के अंदर। ठीक है, लिनक्स में कैसे क्रिएट करते हैं, उबंटु में कैसे क्रिएट करते हैं, इसको उस टॉपिक को करेंगे हम फिर कल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन, उसके बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज में हमें ऑप्शन मिलेगी एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग की ऑप्शन। फिर इन एडवांस्ड टैब में हम क्लिक करेंगे सेटिंग के ऊपर। इन एडवांस्ड टैब क्लिक ऑन चेंज, फिर उसके बाद क्लिक करेंगे चेंज के ऊपर। वहां पे अनचेक करेंगे ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स, नाउ सेलेक्ट द ड्राइव ऑन विच यू वांट टू क्रिएट स्वैप स्पेस, नाउ क्लिक कस्टम साइज ऑप्शन एंड एंटर अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर स्वैप स्पेस एंड क्लिक ओके। अब इन सारे स्टेप्स को हम करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, पहले कहाँ पे जाएंगे हम, जो कंप्यूटर आइकन बना हुआ है ना डेस्कटॉप एक पीसी वाला आइकन, उस पर करेंगे राइट क्लिक और जाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर वहां पे मिलेगा हमें एडवांस सिस्टम सेटिंग। ठीक है, तो ये किया मैंने राइट क्लिक विद इस पीसी के ऊपर, हम गए प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज में गए, फिर प्रॉपर्टीज के अंदर गए हम फिर एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर। अब यहाँ पे आइए एडवांस्ड टैब। अब इन एडवांस्ड टैब पे हम क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर सेटिंग के ऊपर, यानी कि ये है वर्चुअल मेमोरी के लिए रखा हुआ उसकी मैनेजिंग के लिए, क्लिक ऑन सेटिंग। अब सेटिंग के बाद हम फिर दोबारा जाएंगे एडवांस्ड टैब के अंदर। ठीक है, अब यहाँ एडवांस्ड टैब के अंदर यहाँ नीचे लिखा आ रहा है वर्चुअल मेमोरी, अ पेजिंग फाइल इज एन एरिया ऑन द हार्ड डिस्क दैट विल बी यूज एज इफ इट वर रैम। ठीक है, टोटल पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स, अभी तो इसने ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई कर रखा है 9216 MB। ठीक है, चलिए अब हम अपने तरीके से इसको कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, चेंज चेंज पे क्लिक किया, उसके बाद वहां पे बोला हुआ है कि नाउ अनचेक ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज। ऑटोमेटिकली जो है ये ऑटोमेटिक ही मैनेज कर रहा है, मान लो कि हमने खुद कस्टमाइज करके अपने हिसाब से स्पेस रखना है हार्ड डिस्क के ऊपर। ठीक है, तो इसको कर देंगे अनचेक, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे ड्राइव जिसके अंदर हमने स्पेस तैयार करना है। ठीक है, हम जा रहे हैं एफ ड्राइव के अंदर और यहाँ पे करेंगे कस्टम साइज के ऊपर क्लिक और यहाँ पे भर देंगे साइज। अब मान लो आप लोगों ने 10 GB का स्पेस बनाना है, तो 10 GB के लिए क्या करेंगे हम, 1024 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये बना 10,240 MB। ये भर दिया हमने साइज, इनिशियल साइज इन MB 10,240 और मैक्सिमम भी 10,240। के बाद कर देंगे सेट के ऊपर क्लिक, सेट के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो ये स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया स्पेस, उसके बाद कर देंगे हम ओके। ओके के बाद इस सेटिंग को कर लेगा ये एक्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम विंडोज के अंदर स्वैप स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे में मेरे जो अभी लैपटॉप के जो रैम है वो इस टाइम है 4 GB, फिर ये 4 GB की जो रैम है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये जो मैंने अभी स्पेस एंटर किया 10 GB का, 10+4 क्योंकि 14 GB का बन जाएगा हमारा टोटल वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, लेकिन ये जो स्पेस मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया ये यहाँ पे शो नहीं होता है फिर। ठीक है, यहाँ पे ये 4 GB शो करेगी लेकिन वो स्पेस जो है वो इनविजिबल रहेगा हमारे लिए, लेकिन वो काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम विंडोज के अंदर स्वैप स्पेस क्रिएट करते हैं। अब बात रही लिनक्स की, तो लिनक्स के अंदर अगर हमने स्वैप स्पेस को क्रिएट करना होगा तो उसके लिए कमांड रहती है हमारे पास gparted। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकली मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, आई होप आपको स्वैप स्पेस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो फिर हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।